सुनो तो आज का तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग पर वीडियो ट्यूटोरियल लेकर के जो दोस्तों बहुत ही कमाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो नेक्स्ट लेवल का आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको भाई आपके लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के वेस्ट के लोग प्रीव्यू को देख लेते हैं, लेट्स गो। प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जो विश्वास तुमने मुझ में दिखाया है मैं किसी कीमत पर भी निभाऊंगा, किसी कीमत पर भी। ओके सबसे पहले आपको अलर्ट मशीन को ओपन कर लेना है। अलर्ट मशीन ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क का प्रीशॉट एंड एक्सएमएल फाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको हाउ डाउनलोड का लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेटल को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी नीचे आपको हाउ डाउनलोड नाम का एक लिंक देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं कैसे हम आप हमारी मेटल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करने के बाद प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। आपके जितने भी इसमें प्रीशॉट वगैरह यूज़ होने वाले हैं सब आपको सीधे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको फुल प्रोजेक्ट, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर गाइस कुछ आपको साइज का यहाँ पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइज 9:16 का रेजुलेशन है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और कलर फिल पर क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो का साइज रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपका जो साइज रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। जो हमारा फोटो का साइज रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, आप गाइस चाहे तो आप यहां से भी इसको ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहां पर किसी भी प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस ऐसे मान लीजिए मेरा ये साइज है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसको फोटो को ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर फोटो ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट पेज पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। ठीक है, सो गाइस आपको सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का लाइनिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, कलर फिट पर क्लिक करना है, स्ट्रोक पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको इसके बैकग्राउंड में जो है फोटो का आपको साइज आपको लगा लेना है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 9:16 का रेजुलेशन है, कोई भी साइज का फोटो यहाँ पर अटैच आप कर सकते हैं। तब गाइस इस फोटो को ऐड करने के बाद हम प्लस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसके बैकग्राउंड में कुछ प्रकार का आपको ऐड होता हुआ दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आपको ऐड होने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप चाहे तो अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं। अपना फोटो आपको ऐड करने के लिए आपको इसका जो बैकग्राउंड है इसको आपको रिमूव कर लेना होगा। उसके बाद आपको इस ग्रुप के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से और ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस ग्रुप पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, फिर आपको पहले वाले ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो ये इमेज फोटो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आपको इमेज को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको रिमूव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका अटैच होगा। ठीक है, फिर आपको बैक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड ग्रुप के अंदर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप चाहे तो इसके अंदर भी इमेज आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कुछ प्रकार से ऐड हो जाएगा। फिर आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको आगे चले जाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको जो आपको ये दोनों लेयर तीनों लेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको इसको और इसको, यहाँ पर आपको जो आपको सॉरी यहाँ पर इसको कट कर देना है। यहाँ पर आपको जो 1, 2, 3 लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको लेयर पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, और जब आपका नेक्स्ट बीट है यहाँ पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आप अगर कोई अलग तरीके का फोटो लगाना चाहे वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेक्स्ट बीट पर आना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइमर पर क्लिक करके इसको यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, फिर आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइमर दिखेगा, टाइमर पर क्लिक करके यहाँ तक आपको इसको मिला देना है। फिर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा इस पर क्लिक करके इसका जो टाइमर है यहाँ तक आपको इसको इस प्रकार से मिला देना होगा। तो आपको कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ तक आपका कुछ प्रकार का इंटरफेस के साथ आपका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस ग्रुप पर क्लिक
करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इमेज, तो आपको इमेज पे क्लिक कर लेना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको कलर फिल्टर पे क्लिक कर स्टोरेज पे क्लिक करके आपका जो फोटो का साइज़ यहाँ पर रहेगा गाइस, यहाँ पर आप कोई भी साइज़ का फोटो यहाँ पर अटैच आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर फोटो अटैच करके आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा यहाँ पर फोटो को अटैच कर लें, कोई फोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस फोटो को अटैच कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करके इसको अटैच कर लिया, ठीक है। फिर आपको बैक करके आपको आना है, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको गाइस किस प्रकार से देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कमाल का यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे क्रिएट किया गया है। फिर आप गाइस नीचे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको देखने को यहाँ पर गाइस आप नाम देखने को मिल रहा है एड विंग वीडियो क्लिप, यानी जो हमारा पंख वाला क्लिप था उसी क्लिप को यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप, तो इस पर क्लिक करके इसको आपको ऐड कर लेना होगा। इस यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद जब कनेक्ट बीट है यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद इसको बचे भाग को इस प्रकार से हम कट कर देते हैं, ठीक है। तभी गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, क्रोमा क्लिप पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे करके इसको इस प्रकार सेट कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड का रिमूव वाला जो फोटो है वो आपको अटैच करना होगा। तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे चलाते हैं, नाम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गाइस जो इसका जो बैकग्राउंड का जो फोटो है उसको आपको रिमूव कर लेना होगा, ठीक है। यानी जो मैं आपको अभी आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर गाइस जो हमारा बैकग्राउंड है कुछ प्रकार से आपको रिमूव करके रख लेना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से आपको मिला देना होगा। यहाँ पर आपको इसको मिला देने के बाद फिर आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से आपको सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सेट करना है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब इस पर इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट लगाने के लिए आपको बैक कर लेना है और अपने सैक इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपका जो ये फोटो सोर है इस पर क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर गाइस पैक करके आपको आ जाना है अपने फुल प्रोजेक्ट में। यहाँ पर गाइस फुल प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो उस प्रकार से आपने इसको ऐड किया है, इस दोनों पर क्लिक करके आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। गाइस दोनों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों को आपको यहाँ पर साथ में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। बस यहाँ पर आपका कुछ प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद फिर आपको एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पर आपको कुछ प्रकार से इफेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको फोटो को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस जो आपका फोटो का साइज यहाँ पर 1.1 का साइज है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, कलर फिल्टर पे क्लिक कर मशरूम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो फोटो का साइज आपको देखने को मिलेगा। आपको पिक आर्ट से भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो फोटो का साइज है हमारा इस प्रकार से है, तो यहाँ पर फोटो पे क्लिक करके हम इसको ऐड कर लिए हैं। फिर आपको जो नीचे वाला आपको पर्सन दिख रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके आपको जो फोटो का ये वाला नीचे वाला जिसके पीछे जो साइज है यहाँ पर फुल स्क्रीन साइज रहने वाला था, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर इसको अटैच कर दिए हैं। फिर आप चाहे तो एक और तरीका है, अब यहाँ पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है कि आप यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर आपको अटैच कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको से मैं फुल स्क्रीन कर देना होगा और यहाँ पर आपको दोनों फोटो की इस प्रकार से आपको कॉपी कर लेना है, इस प्रकार से देर पर क्लिक करके इसको कॉपी आपको कर लेना है। अब चाहे तो ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दे दिया ताकि आप लोग का जो टाइम बच जाए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए गाइस आपका जो है फोटो कुछ प्रकार से अगर होता है पीछे जो आपका दिख रहा है, तो लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको फिक्स करके दूँ, जो आपका ऊपर का साइज रहेगा, ठीक है, जो आपका ये नीचे का साइज रहेगा वही सेम टू सेम साइज आपको यहाँ पर भी अटैच कर लेना है। गाइस जो मैंने मान लीजिए ये फोटो अटैच किए हैं, तो प्लस पे क्लिक करके अटैच करेंगे तो इसका जो पीछे का साइज है सेम टू सेम आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं किया हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको कर लेना पड़ेगा, पूरा यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आपको कर लेना है, सेम टू सेम यहाँ तक आपको कर लेना है। फिर आप गाइस आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एड विंग, यहाँ पर आपको लिखा हुआ ना, तो आप चाहे तो यहाँ पर आपका जो दिख रहा है ना, आप चाहे तो इसी को यहाँ पर कॉपी आप कर सकते हो, जो आप अभी यहाँ पर अटैच किए हैं, इस प्रकार से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप कॉपी कर लेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट बीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एड विंग एंड बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको इस प्रकार से अटैच कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, फिर आपको इसके नीचे आपको जो दिख रहा है एक ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करके हम कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फोटो को अटैच कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो फोटो भी इस प्रकार से अटैच हो गया है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर गाइस फोटो वैसा हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फोटो का जो साइज है वो आपको चेंज कर लेना है किस प्रकार से। गाइस देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो फोटो भी आपका अटैच हो गया, बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो गाइस इतना आपका हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि
तो यहाँ पर आपको इस दोनों को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, फिर आपको ऊपर भी इस प्रकार से क्लिक करना है, फिर आपको इस दोनों को आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से इसको भी दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर आपको आगे जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको ऊपर जो आपका पंख दिख रहा है इस दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। आपको टोटल 11 यहाँ पर आपका लेयर कॉपी होगा। फिर आपको कॉपी करने के बाद जो आपका नेक्स्ट बीट आएगा ना, यहाँ पर आपको बचे भाग को पहले इस प्रकार से कट कर लेना होगा कुछ प्रकार से, फिर यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब गाइस यहाँ पर एक लेयर बन चुका है, यहाँ पर बीट के अनुसार आपका सेम टू सेम वैसा ही होगा, सिर्फ आपको अपना फोटो अटैच कर लेना होगा और यहाँ पर भी आपको सिर्फ अपना फोटो ही चेंज करना होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आने के बाद यहाँ पर जो बचो भाग रहेगा इसको इस प्रकार से आप कट कर लीजिएगा, फिर आपको लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से आपका एक एनिमेशन के साथ क्रिएट हो गया है बहुत ही आसानी से, ठीक है, यानी कि बहुत ही जल्दी आपका ये हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक्सपोर्ट करके अपने गैलरी में सेव कर लेना होगा। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको सेटिंग बगल में बॉक्स पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करके आपको अपने गैलरी में बहुत ही आसानी से सेव कर लेना है, या आपकी गैलरी में बहुत ही आसानी से सेव भी हो जाएगा।